दिल्ली से चिटफंड कंपनी 75 करोड़ लेकर फरार हो गई है। सलोन कस्बे में चिटफंड की कंपनी थी, ये 75 करोड़ लोगों के लेकर फरार हो गई। आमतौर पर चिटफंड कंपनी का काम ही यही होता है कि वो आपको लालच दिखाते हैं, यानी अगर वो 1,000 रुपए आपसे लेंगे तो वो कहेंगे कि हम 3 महीने में आपको 3,000 रुपए, अगर आप उन्हें 5,000 देंगे तो वो ये प्रॉमिस करेंगे कि 3 महीने में आपको 15,000 रुपए दे देंगे। इस तरह की कमिटमेंट करते हैं। और दर्शकों को हम बता दें कि ऐसे किसी भी बहकावे में ना आए। सौरभ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पे, हमारे संवाददाता है रायबरेली के। सौरभ, ये चिटफंड की कंपनी कितने सालों से यहाँ काम कर रही थी और कितने लोगों को बेवकूफ बनाया है, बहकाकर पैसे ले गई है? जी राहुल, बिल्कुल। सन 2014-15 में रायबरेली के सलोन में क्रेडिबल एक्रुअल एंड लिमिटेड एक चिटफंड कंपनी की शाखा खुली, जिसमें 2014-15 से मार्च 2019 तक लगभग 75 करोड़ रुपए जमा हुए, जिनको लेकर एक कंपनी भाग जाती है तालाबंद मिलने पर। कंपनी के जो भी एजेंट होते हैं वो पुलिस के पास जाते हैं, उसमें कि एक व्यक्ति पकड़ा तो जाता है, सुलह समझौते के नाम पर वो भी गायब हो जाता है। उसके बाद न्यायालय के दखलंदाजी के बाद कल देर शाम को मुकदमा दर्ज होता है, जिसमें 11 लोग नामजद किए जाते हैं। राहुल, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। सौरभ शुक्ला आपका खबर।